दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का अभी के चैनल स्टडी सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो चलो ज्यादा वक्त ना गवा आज की क्लास को शुरू करते हैं। बस एम रखते हैं 10 लाइक का। तो फर्स्ट डेफिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? Pollination involving two flowers born on two plants of same species is cross pollination. देखो cross pollination क्या होता है? ऐसा pollination जिसमें दो flowers involved होते हैं same species के, ठीक है, same plant species के involved होते हैं, that is called cross pollination. Then बात करते हैं endosperm की। Define endosperm. What is mean by endosperm? Exam में कई बार question पूछा जाता है एंडोस्पर्म क्या होता है। डिफाइन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द नरिशिंग सब्सटेंस फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्ली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो देखो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज द नरिशिंग सब्सटेंस फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्ली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो दोस्तों ये भी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। देन बात करते हैं एम्ब्रियो सैक की। डिफाइन एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? डिफाइन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होती है? देर आर मेनी ओवल्स, ठीक है, देर आर मेनी ओवल्स इन द ओवरी। द स्ट्रक्चर फॉर्म इन ईच ऑफ द ओवल बाय मियोसिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो देखो देर आर मेनी ओवल्स इन द ओवरी, ठीक है, ओवरी में कई सारे ओवल्स होते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म इन ईच ऑफ द ओवल्स, और जो ओवल का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बाय मियोसिस, उससे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।